कुरान्थ नगर की कलीसिया को यह पत्र लिखा था पौलुस ने, सेंट पॉल। आप में से अगर कुछ लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि कलीसियाओं में कभी उठापटक नहीं होता, आप गलत सोचते हो। परिणतों की काम की किताब के बाद से आप सारी पत्रियां पढ़ के देखो, प्रकाशित वाक्य से पहले तक कलीसियाओं में जबरदस्त तनाव रहा। जो जो सिखाया गया परिणतों के द्वारा वो कलीसिया ने बहुत कम किया, और यही वजह थी कि वो चाहे बोलते गए थे, चिट्ठी लिखी पड़ती थी, बोले मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप, तो हाँ भाई कहाँ काम कर रहा था, अभी अभी उठे चलते हैं, पुराने क्या बच्चा हो गया, अरे हाल क्या फिर अभी कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हाट्सएप चल गया, पहले चिट्ठियाँ थी, पहुँचने में बड़ा टाइम लगता था, और पूरन चरण की तो तीन पत्रियाँ हैं, एक गायब हो गई थी, दूसरी पत्री दोबारा लिखी गई, सेकंड कुरेंथियन की किताब दोबारा लिखी गई, पहली बार जब लिखी गई थी तो किसी कारण से नष्ट हो गई, ठीक वैसे जब यर्मिया की किताब नष्ट हो गई थी, यर्मिया ने किताब लिखी और लिखकर राजा के पास पहुंचा, राजा सर्दियों के दिन में अंगीठी के पास ताप के बैठ के पढ़ रहा था, और भविष्यवाणियां की बातें थी, खूंखार बातें थी, राजा को पसंद नहीं, इसलिए पूरी की पूरी किताब ऐसी अंगीठी में डाल दी अपने पास और फूंक मारी, यर्मिया ने फिर लिखी। अगर यर्मिया के दिमाग की बात होती तो शायद वो इतना परफेक्टली नहीं लिख पाता, यहोवा ने फिर लिखवाया यर्मिया से, तुम्हें कुरंथियों की पहली पत्री, दूसरी पत्री, दूसरी पत्री दूसरी बार लिखी गई है, पहली बार जब लिखी गई थी ना पहुंचाई तो वो पहुंची नहीं वहां तक, कोई बात नहीं, अगर ये पौलुस के दिमाग की उपज होती तो शायद वो बातों को गड़बड़ कर देता, इधर की उधर कर देता, लेकिन फिर जब द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया तो उसने एग्जैक्ट बातें लिखी फिर वैसे एज इट इज, क्योंकि भूल भुलैया हमारे दिमाग में हो सकती है, परमेश्वर के दिमाग में, आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, भविष्यवाणी और अन्य भाषाएं। पहला कुरंथियों 14 अध्याय, कुरंथ नगर की कलीसिया को शिक्षा दी जा रही है, प्रेम का अनुसरण अनुकरण और आत्मिक वरदानों की, विशेष करके यह है कि क्या करो, टॉप मोस्ट लेवल का गिफ्ट है ये प्रोफेसी, इसकी धुन में रहो आप, कि प्रभु मुझे प्रोफेटिक वर्ड का प्रोफेसी का, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, इसकी बहुत सख्त जरूरत है कलीसिया में, इसकी ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि ये कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए है, कंफ्यूजन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बिल्कुल सटीक बात सामने लेके आओ, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भी गड़बड़ी होनी चाहिए प्रभु, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताओ मुझे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी है, वैसा भी है, या कुछ बोला तो हुआ ही नहीं है, कलीसिया की आत्मिक उन्नति होगी इससे, भविष्यवाणी के वरदान से, भविष्यवाणी करो क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है अन्य भाषाओं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है, क्योंकि भविष्यवाणी जब आदमी करेगा तो समझ आने वाली भाषा में तो करेगा, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, उर्दू वाला उर्दू में, अरबी वाला अरबी में, लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका पता नहीं कौन सी भाषा में ये बोल रहा है ना, हमारे पास कोई ट्रांसलेशन आता क्या बोल रहा है पता है, ये तो केवल आपकी अपनी आत्मिक उन्नति है, आप अपने घर में बैठे जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये आपको शार्प करती है, ये चीज बहुत साल पहले की बात है, जब हम भी ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा समझ नहीं रखते थे, मेरी वाइफ जब हम डिलीवरेंस और हीलिंग के लिए कहीं जाते थे और किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेशर महसूस करते थे उस घर में कि दबाव सा फील हो रहा है, फिर फील नहीं हो रही हमें, तो हम दोनों पति पत्नी आपस में इशारे से बात करते और अपने अपने टंग्स में प्रेयर करना शुरू कर देते थे, ये वाली बात 15 साल पहले मुझे पता थी, 17 साल पहले, कि अन्य भाषा मुझे रिलीज करती है, मुझे रिवाइव करती है, मुझे एम्पावर करती है, ये कुछ और नहीं करती, मुझे तब भी पता था 17 साल पहले, यही बात हो गया हम ही कर रही है, थोड़ी देर जब अन्य भाषा में हम अपने अपने प्रार्थना करते थे, फील करते थे फ्रीडम, रिलैक्स फील करते थे, क्योंकि जब दूसरी चीजें आप पर हावी होने लगे, ताकतवर होने लगे, और जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो यह भाषा आपको रिफाइन करती चली जाती है, उससे ज्यादा एम्पावर्ड करती चली जाएगी, ये चीज लिखा है कि अन्य भाषा करने वाला व्यक्ति क्या करता, अपनी आवाज नहीं आ रही, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करता है, तब आपकी आत्मिकता एकदम स्वर्ण होती चली जाती है बाहर की आत्माओं से, टंग्स की प्रेयर। एक दिन मैं मेरी वाइफ 4-5 साल पहले की बात है, किसी के घर में गए डिलीवरेंस के लिए,
लेने के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, कास्ट आउट कर रहे थे, और आप विश्वास करो ईमानदारी की बात, ये बात मेरे मेरी पत्नी के अलावा अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता कलिशन, ना मैंने आपको बताया ना बताना चाहता था, मैं देखना चाहता था कर जा रहे हो आप। मैं प्रार्थना करते 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 टंग्स में प्रेयर करने लगा उस लेडी के लिए, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने उसे दबोचा और मुझसे पवित्र आत्मा क्या कहता है कि जिस भाषा में तू प्रार्थना कर रहा है ये इविल स्पिरिट समझ रहा है इसको। मैंने बोला नहीं, तो फिर क्यों कर रहा है, मेरी बात सही है या गलत है? उर्दू वाले के आगे आप इंग्लिश में बोलो और बढ़िया बात बताओ आप उसको कि परमेश्वर ये कह रहा है, वो समझ जाएगा उर्दू वाला इंग्लिश। आपको क्या करना पड़ेगा ताकि इसको समझ में आपकी आत्मिक उन्नति हो सके? बोलिए सर। अन्य भाषा दो प्रकार की होती है, बैठ जाइए प्लीज। अन्य भाषा दो प्रकार की होती है, पहली प्रकार का क्या है विषय जरा जल्दी से सामने, ये इंग्लिश में बोलेगा मेरे से कोई बात नहीं है, इससे पहले से जानता था मैं ये वाली बात। अन्य भाषा दो प्रकार की, ये वाली बात मैं इससे पहले जानता था, ये बाइबल कॉलेज जाके सीख रहा था, बिना बाइबल कॉलेज के सीख ली थी ये वाली बात। बस ये है कि इंग्लिश में बोलेगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोलो ये। एक्चुअली में अन्य भाषा दो प्रकार की होती है, ये पहली होती है ग्लोसोलालिया, ये यूनानी भाषा का ग्लोसोलालिया है ग्रीक वर्ड, ये दो शब्दों से एक शब्द बनाया, पहला है ग्लोसा, ग्लोसा का मतलब होता है भाषा, और होता है लालियो का मतलब होता है बोलना, तो ग्लोसोलालिया का मतलब होता है भाषा बोलना, और ये स्वर्गीय भाषा होती है। और दूसरे तरीके की अन्य भाषा होती है ज़ेनोलालिया, वो होती है आपकी पृथ्वी की भाषा है, जो आप बोलते हैं हिंदी नेपाली मलयाली तमिल, ये होती है ज़ेनोलालिया। तो दो प्रकार की अन्य भाषा होती है, ग्लोसोलालिया और ज़ेनोलालिया। परंतु काम की किताब निकाली है मेरे साथ जल्दी से, दूसरा अध्याय 14वां पद। तब पतरस उस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान, एक मिनट, एक का चार चार क्या है वहां, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोले। दूसरा अध्याय 7 पद, 5 पद से मैं पढ़ रहा हूं, दो अध्याय का 5वां पद। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, पेंटेकोस्ट का पर्व था और सारे यहूदियों को यह बात थी कि ये झोपड़ियों का जो फसह का जो पर्व होगा पेंटेकोस्ट का पर्व, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो आपको मनाने के लिए यरूशलेम जाना पड़ेगा। पेंटेकोस्ट का मतलब होता है 50वां 50, और ये झोपड़ियों का पर्व है, एक पर्व था 50वां, और यीशु मसीह के 7 सप्ताहों के बाद, 7 शब्द के बाद, 7 7 7 7 7 7 49, इसमें एक दिन ऐड किया जाता था 50 डेज बनाने के लिए इसको, और 50वां दिन वो स्वतंत्रता का दिन था, वो एक पर्व का दिन था, एक त्यौहार का दिन था, जिसमें पवित्र आत्मा वहां पे पेंटेकोस्ट के दिन उतरा। जब पेंटेकोस्ट के दिन उतरा तो इन लोगों पर अन्य अन्य भाषाओं का वरदान आया और ये हर एक अलग अलग भाषा में प्रार्थना करने लगे, और भक्त यहूदी जो पूरी देश दुनिया के कोने कोने से वहां पे भक्ति करने के लिए आए थे अपनी पीढ़ियों के मुताबिक, वो अलग अलग देश में रहते थे, उन्हें वहां की सिटीजनशिप ले रखी थी, उनके बिजनेस वहां पे थे, उनकी खेती बाड़ियां वहां पे थी, उनके जब बच्चे वहां पे थे तो वो वाली भाषा सीख गए थे। आप भी अपने बच्चों से कहीं तमिल में या उड़ीसा में आप सेटल हो जाएंगे तो आपके बच्चे वो वाली भाषा जमाने के टाइम तक सीख जाएंगे। तो बहुत सारे यहूदी अलग अलग भाषा बोल रहे थे, जानते थे, और जब प्रेरितों ने प्रार्थना करना शुरू की, लिखा है आकाश के नीचे कि हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। यार क्या ये कैसी हड़बड़ाहट थी, कैसी हड़बड़ाहट थी, ये कहां के शब्द, मान लो अचानक आपके घर के पास एक आवाज आई दुदुम, नहीं, अगर दिवाली के दिन ऐसी आवाज आए तो आप पर मुझे पता है कि 1-2 बजे तक आएगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अचानक बोले बाएं, ऐसे ही हुआ वहां पे, अचानक एक भुईडोल हुआ और वो लोग सचेत हुए। लिखा कि जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। नॉन लैंग्वेज है ये नॉन लैंग्वेज नहीं है, ये अन्य भाषा नहीं, जानी पहचानी है। आप मलयाली में बात कर रहे हैं तो मलयाली व्यक्ति यहां बैठा को समझ जाएगा,
ये आपके लिए अनोन लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन उसके लिए नॉन लैंग्वेज है, जान पहचानी भाषा। गोरखाली भाषा में अगर कोई व्यक्ति बात करे, दूसरा जो गोरखाली बैठा है वो समझ जाएगा, उसको आती है ये वाली भाषा। बंगाली व्यक्ति समझ सकता है, तमिलियन समझ सकता है, उड़िया समझ सकता है, केरलाइट समझ सकते हैं केरला की भाषा को जब वो बोली जाएगी। तो जब ये पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतरा तो ये उन भाषाओं में बातें कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा कर रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ्य के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। ये उस भाषा में बता रहे थे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, इसका नाम सबसे बड़ा है। और जिसकी भाषा में जो बात कर रहे थे उस आदमी को अपनी भाषा समझ में आ रही थी कि यार ये तो गलील का रहने वाला है, ये कपदूकिया की भाषा कैसे जानता है, ये गलील का रहने वाला, ये वहां की भाषा कैसे जानते, तो मेरी मदद कर रहे, मेरी मदर टंग है, मेरी जन्मभूमि की भाषा ही तो जानते ही थी। लेकिन ये आत्मा में इतना ज्यादा आ गया, पवित्र आत्मा ने इसको पकड़ दिया और पवित्र आत्मा ने यहोवा की महिमा उनकी ही भाषा में सुनवाई, उस भाषा में नहीं, जिसमें आप ये नहीं कह सकते थे हालेलुया, आप बोल ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये है अन्य भाषा, ये लैंड की जमीन की भाषा है अलग अलग देशों की। प्रेरितों ने परमेश्वर की स्तुति में आपको पढ़ के बता दूं वो यही लिखा है, सात पद। तो फिर क्यों हम ये सात पद में सब चकित होकर अचंभित होकर कहने लगे, चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है, जो इंडियन है सारे के सारे, ये सारे भारतीय हैं, मान लो एक बार उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये सारे के सारे गलीली नहीं। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की, अपनी मातृभूमि की भाषा सुनता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कभी गए नहीं उधर। आप में से कुछ लोग शायद इस बात को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आज जान जाएंगे। एक जमाना था प्रेरितों के बाद सेकंड पीढ़ी का, प्रेरितों के दिनों से ये वाली बात शुरू थी कि प्रभु यीशु मसीह का हार था कि लोग जगत की छोर तक, पृथ्वी की छोर तक जाकर के क्या करें और सुसमाचार हर एक की जाति और भाषा के अनुसार होना चाहिए, समझ में आ जाए। ये वजह थी पवित्र आत्मा को उनको ये भाषा देने की, ये वजह थी पवित्र आत्मा को इन परिंदों को ये भाषा देने की, क्योंकि इनको निकलना है, सब जगह जाके प्रचार करना है और ये हर एक भाषा सिखा दो इनको। ये डिवाइन प्लान था लैंग्वेज सिखाना। एल्स का कोर्स करते हैं ना लोग, आईएल्स में जाते हैं, मुझे लंदन जाके नौकरी करनी है, आईएल्स मेरी लैंग्वेज ठीक करवाओ, तो करते ना नौकरी के लिए पाने के लिए जाते हैं, भाषा ठीक करते हैं, पढ़ते हैं। तो ठीक वैसे इनको पृथ्वी की छोर तक जाना था और स्वर्ग ने इनकी भाषा को ठीक ठाक कर दिया, आईएल्स का कोर्स करा दिया अपने पवित्र आत्मा ने, इनको वहीं के वहीं करा दिया। और उसके बाद भी ऐसा होता था कि जब कोई कलीसिया किसी मिशनरी को भेजती थी, अगर आप में से एक भी व्यक्ति ने, उस टाइम पे हम तो बेवकूफ हैं, हम किसी को कोई सवाल ही नहीं करते, मुझे प्रभु ये कह रहा, हम तो कुछ पूछते ही। उस जमाने में जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलता था कि प्रभु मुझे फलानी जगह कहता सेवा के लिए, तो प्रेरित पता क्या करते थे, प्रेरित प्रार्थना करते थे इस बात के लिए क्या पवित्र आत्मा किस पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, क्या पवित्र आत्मा इसको वहां की लैंग्वेज सिखा रहा है कि नहीं। अब वो जमाना चला गया, अब तो कोई वाली बात हुई, कुछ तो लोहा खोटा और कुछ लोहार खोटा, ना पादरी प्रचारकों को, प्रेरितों को, अपोस्टल्स जो संसार में अपोस्टल्स काम कर रहे हैं, उनको इस बात की होश नहीं है कि हमारी कलीसिया जब लोग जाके सेवा करके उनको भाषा आ रही है कि नहीं। मुझे मेरी पत्नी को यहां से गढ़वाल में भेज दिया, क्या जगह था, घोड़ाखुरी में, घोड़ाखुरी, ना मुझे भाषा आती, ना इससे भाषा आती, ना वहां पानी, ना वहां बिजली, और दोनों गुमे की तरह दूसरे के सामने बैठे रहते थे, बस नई नई शादी हुई थी तब तक ठीक भी था भाई, एक दूसरे को देखते रहते थे, भाषा नहीं जानते, वहां का कल्चर नहीं जानते, वहां का कुछ नहीं जानते। परमेश्वर आत्मा ने मुझे वहीं पे पकड़ लिया था कि ये जगह तेरे लिए नहीं, संजीव कुमार क्यों आया यहां, मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास, ईमानदारी की बात, शादी नहीं नहीं हुई थी, कोई रहने खाने ठिकाने की जगह भी नहीं थी, परमेश्वर आत्मा ने बोला कि फिर तो यीशु को बेचेगा क्या, ईमानदारी की बात, मैंने कहा नहीं, फिर बस्तर बांध यहां से निकल, मैं उसी वक्त चला आया, तीन चार महीने रहे हम लोग वहां पे, लाइट नहीं वहां पे, हमारा घर जंगल से लगा हुआ था, बाघ बघीरे बोलना शुरू करते थे 4 बजे, ये मेरी जान खा जाती थी कि लैंप चला लो 4 बजे, हम अंदर घुस जाते थे, पर हमारे दरवाजे पे कई बार तो पंजे के निशान मारते थे, आवाज आती थी, ईमानदारी की बातें हैं ये। एक जमाना फिर भी किसी हद तक ये रहा कि जब किसी कलीसिया से जो आत्मा की अगुवाई में चलती थी, जब सिरक निकलते थे तो प्रेरित ठहरते थे क्या इसको उस देश की भाषा आएगी या नहीं,
जब तक भाषा नहीं आती जिसको भेजते नहीं थे साथ। आप जिस देश की भाषा नहीं जानते, आप तेलुगु जानते हैं सुशील साहब? आप और तेलुगु में लोगों ने भेज दिया सुषमाचार प्रचार करने, करते नहीं आप? इतनी समझदारी की बात, एक साधारण व्यक्ति कह रहा, आधुनिक लोगों की समझ कहां है? साधारण व्यक्ति को समझ है। अभी मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है, परमेश्वर माफ करे, बुलावा आया है सेवकाई का, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में जाने का। वो व्यक्ति मुझसे मिला, हमारे घर आया, मैं बताना नहीं चाहता था ये वाली बात, बता रहा हूं फिर भी आपको समझाने के लिए, बाकी उदाहरण दे रहा हूं कुछ नहीं इसमें। उसने मुझसे बात की चर्च प्लांटिंग के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर, और वो व्यक्ति किसका? यूबीएस, यूबीएस यूनियन बाइबल सेमिनरी का प्रिंसिपल, यूनियन बाइबल सेमिनरी का वर्ल्ड में नाम है, इंडिया में बड़ा नाम है इसका। आप अगर जानते किसी से पूछेंगे, किसी मिशनरी से, किसी पादरी प्रचार, यूबीएस क्या है? अरे बहुत बड़ी बाइबल कॉलेज है वो तो यार, सेमिनरी है, थियोलॉजिकल सेमिनरी कहते हैं उसे। तो प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आता है कि भाई साहब मैं चाहता हूं कि आप यहां आए और हमारी नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, और आप आकर के चर्च प्लांटिंग के बारे में वही बातें बताएं जो आपने मुझे बताई है, चर्च के बारे में, चर्च को कैसे चलाना चाहिए, कलीसिया कैसे चलाई जाती है, कलीसिया को कैसे हैंडल किया जाता है, इसे कैसे संभाल के रखा जाए, ये वाली बातें बताओ। लेकिन सारा मैसेज इंग्लिश में होगा, मैंने बोला कह नहीं आ सकता, सब कुछ इंग्लिश में होगा पूरा लेक्चर, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता साहब, भूल जाइए आप, एक हफ्ते में जवाब देना, मैं दो हफ्ते में भी नहीं दे पाऊंगा, मैं तो गरीब हूं अंग्रेजी में, इंग्लिश में तो गरीब हूं मैं। अब उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो मैं चलता हूं आपके साथ। मैंने नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आत्मिक भाव आवेश में जब आकर के मैं सटीक बात बताऊंगा, हो सकता है कि तू उसका ट्रांसलेशन ना कर पाए, वहां गड़बड़ी फैलाने से ज्यादा अच्छा है मेरा ना जाना। देख रहे भाषा का बंधन। मैंने बोला मैं हिंदी में बोल सकता हूं और बेहतरीन बता के आऊंगा मैं आपको बात हिंदी में, नेशनल लेवल के लोग समझ जाएंगे यार ये आदमी पहली बार आया है। तो समझ रहे हो आप इस बात को, भाषा कितना बड़ा, लोग कहते ना कि भाषा क्या करती है, जोड़ती है, तोड़ती नहीं। मैं कह रहा हूं भाषा तोड़ती है, जोड़ती नहीं। आपको उड़िया नहीं आती, मुझे उड़िया आती है, अगर हम दोनों एक ही सीट पे बैठ करके दिल्ली से 2x2 की बस में सफर करें, क्या बात करेंगे आप और मैं? इनका मुंह इधर रहेगा, मेरा मुंह उधर रहेगा, दोनों यूं हो जाएंगे। भाषा आएगी तो बात करेंगे ना, कॉन्टेक्ट बढ़ेगा। फिर आप कहां से? मैं गढ़वाल से। आप देश का देश हरियाणा जी दूध तेल का खाना बताएगा क्या आदमी? समझना मेरी बात को, भाषा ये है। एक समय तक तो उसका बड़ा रुतबा रहा, एक समय तक बड़ा प्रभाव था लोगों के प्रपंचन आत्मा का। आज पवित्र आत्मा यूं चलता है, यूं उठता है, यूं चलता है लोगों के साथ, पता ही नहीं पड़ रहा कि आत्मा था, परमात्मा था, ये था कि मैं था, कौन था। भाषा ये है, उनमें से हर एक को एक एक भाषा समझ में आई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मेरी बात आप समझ लो, उनमें से हर एक को एक एक भाषा समझ में आ रही थी, वो भाषा उनकी समझ में आ रही थी, उनको पता था कि क्या हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, इसलिए हे भाई यदि मैं तुम्हारे पास आकर भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुमको क्या लाभ होगा? मैं घंटे आपके साथ बैठ करके टाइम्स में प्रेयर करके चला जाऊं जैसे सूखी आप आए थे, आपको वैसे ही जाना पड़ेगा यहां से। या फिर कोई व्यक्ति हो मेरे पास जो मुझे इसके बारे में बता दे ये कह रहा है, या बोलने वाले व्यक्ति को ये वाली बात हो, इसमें आएगी वाली बात। कहीं से अपने अंदर भाषा का वरदान काम करे, लिखा भी उसको अनुवाद भी होना चाहिए। अफसोस की बात है, हम सब इंजॉय कर रहे हैं इस बात, क्योंकि वचन के खिलाफ है, हम वचन के खिलाफ वाली बातों में इंजॉय कर रहे हैं सब। वचन वाली में क्या करते हैं, अगर मान लो ये बात, ये वाला वायदा सच में पूरा हो जाता है, मतलब क्या आनंद नहीं मिलता आपको? मुझे अभी तो हम आपस के आनंद में है, मुझे आपके परफ्यूम की खुशबू आ रही है, आपको मेरे, अभी तक डिवाइन परफ्यूम आया ही नहीं है। कभी कभी आदमी अपनी खुशबू सुन के बोलता बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कभी कभी मैं अपनी अकल की बात पे खुश हो जाता हूँ, कभी कभी अपनी बुद्धि की बात पे खुश होता हूँ। हाँ तुम अकेले ही बात करोगे तो बहुत बुद्धिमान कहलाओगे, तो किससे बात करो, अब पता पड़ेगा कि आपकी बुद्धि कहाँ है। मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ। बार भी आएगा, इसलिए तुम भी जब आत्मिक
वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की कलीसिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये थोड़ रखो आप पढ़ लेना बाद में, 26 पद से मैं पढ़ रहा हूं बस। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, पौलुस कह रहा है, पौलुस की चिंता देखो आप, कलीसिया स्थापित करने वाले व्यक्ति की पीड़ा देखो, उसकी चिंता देखो, कलीसिया आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, कलीसिया जिसने स्थापित की उसके हाथ से बाहर जा रही है। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन। अब आप लोग ऐसे ही करना अगले इतवार से, क्या आज से कर देना। जब भी कभी जमा हो तो आप समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहां पे, आप वचन का पालन नहीं कर रहे। तू मुझे मत रोकिए, मैं तुझे नहीं रोका, सारे चालू हो जाओ, चलो कर रहे क्या हम वचन का पालन, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या हम लोग। कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ हम वचन का पालन कर रहे हैं, इस जैसा ये कह रहा है इस आदमी के कहने के अनुसार। ये क्या कह रहा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। पेंटिकोस्टल लोगों की बड़ी समस्या है, सॉरी क्या कर रहे पता नहीं भाई जी क्या हो रहा है, अरे यार ये सारी कलीसिया मच्छी गर्म होंगे नहीं करते, रोकेगा कौन अब इसको, कोई नहीं रोक रहा, रोकने वाला कुछ शामिल पादरी नहीं इसमें। इस बात में कि फलाने काम कर दी लोगों को ये नहीं पता अमीर का बोलना हर किया का बोलना। यदि अपने भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले। अब आराम बारी बारी से बात करो ना, मैं सुनने को तैयार हूं। आप सारे बोल रहे हो यार, चार आदमी सवाल करोगे उससे मैं क्या जवाब दूंगा, बोल भैया कि क्या बात है भैया जी मेरी बात आपने बोला था कि पांच करोड़ दूंगा लेकिन आपने पानी धो दिए, तो बता दिया जी तो अगले सामने की बात आप छह गए छेगा कहाँ से आ गए। एक एक आदमी बात करो तो मैं जवाब दे दूंगी, एक एक बोलो ना, दो दो तीन तीन बोलो, समझ में आए लोगों की क्या कह रहा है ये आत्मा, क्या कह रहा है आत्मा ने कुछ नहीं बोला, आप और मैं बिल्कुल तृप्त होकर के घर गए, मजा आ गया क्या, बढ़िया ड्रम बजाया रितेश ने और सिस्टर की आराधना किया, भाई साहब का मैसेज भी बढ़िया था कि क्या था ये नहीं पता मेरा बस था किसको आनंद मिला, माइंड को बॉडी को या थॉट थिंकिंग को, सोलो स्पिरिट की बात भूल जाओ आप, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची, पहुंची तो आपको पता रहता कि हुआ क्या। अट्ठाईस पर, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, चुपचाप खड़ा रहता हूं यहां पे। मेरी वाइफ भी कभी कभी मेरे ऊपर प्रेशर आता, मैं बोल पड़ता हूँ पवित्र आत्मा का आत्मा की मुझे कोई वाली बात आती है याद आती है, क्यों साइमन भाई है यहाँ पे, साइमन भाई कहाँ है, आपके घर में ऐसे लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करते करते बीच बीच में टंग्स आ रही मेरे पास, तो मैं उसको फिर पीछे धकेलता हूं, आई नीड होली स्पिरिट ओनली, समझना आप बात को, आप करते हो ऐसे गिफ्ट्स को कभी कभी, पीछे चलो गिफ्ट आई नीड जीसस क्राइस्ट ओनली, आप तो गिफ्ट की उपासना में लग जाते हो, अच्छा फलाना गिफ्ट है हालेलुया यीशु मसीह, गिफ्ट का दाता कहां जाएगा। कभी कभी इस गिफ्ट को इस टैलेंट को बोलना चाहिए कीप क्वाइट, आवाज जानी चाहिए तेरी अन्य भाषा के बताओ, प्रभु जी आप बताओ क्या करना है मुझे यहां, क्योंकि मैं धीरे से समझना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि एलिया के सामने परमेश्वर ने बड़ी भूरी डोल मेरी आया, बड़ी आग मेरी आया, फिर धीरे से साइलेंट क्वाइट आवाज में उसने से बात की, एलिया कह रहा क्या काम, तुझे तो मान होना चाहिए था, ऐसी पवित्र आत्मा क्या आपसे बात नहीं करता, ये क्या करना भाई, ये तो करना ही था मुझे यार, बोलता आपको ऐसी बात नहीं बोलता ना, चलते जाओ आत्मा में वही मिलेंगे परमात्मा में जाके, फिर सब आपको पवित्र आत्मा को रोकना चाहिए, और व्हाट आर यू डूइंग मैन, क्या कर रहे हो तुम, ये
बोलता आपको पवित्र आत्मा के बारे में? ये नहीं बोलता मुझे, मुझे दूसरे के लिए बोलता उसको रोग चला करके। आत्मा आपको नहीं रोकता, सिर्फ किसको रोकेगा? उसका कंट्रोल आपसे ज्यादा ना मुझ पे है, वो मेरे द्वारा आपको चलाने से ज्यादा मुझे चलाना पसंद करता मेरे ही द्वारा। देखिए मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है, और अगर मैं पवित्र आत्मा की गाड़ी हूँ, पवित्र आत्मा ड्राइवर है, तो स्टीयरिंग पवित्र आत्मा के हाथ में है मेरा। वो मुझे किसके पास ले जाए, किसके पास ले जाएगा, ले जा सकता? मैं बाइबल को ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा तो पढ़ने का तरीका यही है। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं कलीसिया दूसरे लोग वो भी सुन लेना ध्यान से, बाइबल यही बता रही है और आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा होगा, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। भविष्य द्वक्ताओं में से दो या तीन लोग बातें करें, तीन दो या तीन बोले, और शेष लोग क्या करें? हालेलुया नारा लगा दो, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सही नहीं था, वो सही था, वो सही नहीं था, वो सही, ये करेंगे हम परखो, परख लो आप पहले एक बार की होली स्पिरिट आप मेरी सहायता करोगे है क्या? मैं जानना चाहता हूं इसे, मैं जानना चाहती हूं इस बात को आपको और मुझे परखना। मेरे साथ तो प्रार्थना करने वाले लोग जो बैठ के प्रार्थना करते हैं ना, इनकी रूह कांपती है मेरे साथ, जो हिलते हैं ये, क्योंकि मैं इनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं लोगों की, ताकि मैं आमीन बोलूं, बोल सुनू सुने बोल कौन से शब्द रहा ये। और प्रार्थना में अगर कोई अजीब शब्द होता है तो मैं रोक करके प्रार्थना खत्म होने के बाद व्यक्ति को बोलता हूँ कि ये वाला शब्द ऐसे नहीं, प्रार्थना में ऐसे होना चाहिए। मैं तेरी हर बात में हाँ और आमीन कह के तेरे साथ आगे जा सकता हूँ। आप सुनवा मुझे अपने घर, आप प्रार्थना करो मेरे साथ, मैं सुनूंगा आपकी, ध्यान से और धीरज से सुनूंगा आपकी, क्योंकि ये मुझे अधिकार है, ये मुझे परमिशन है बाइबल से। देखा नहीं कि दो दो लोग भविष्यवाणी करें, दो या तीन, बाकी लोग क्या करें? अगर कोई मान लो यहां मुझे बैठ के मुझे परखने वाला कोई बैठा, मुझे कोई डर नहीं है आपसे, ऑनलाइन देख रहे हैं लोग मुझे, मैं तो नंबर भी बताता हूँ, नाम भी बताता हूँ, चला जाता होगा इसमें ना, मेरा नंबर उनको चला जाता होगा, बात कर ले मुझसे लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, कोई भी बात करे, अगर मेरी बात गलत है तो बाइबल से। वैसे अगर किसी को टांग खींचे तो खींचता रहे। 29 पद, भविष्य वक्ताओं में से दो या तीन जन बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला व्यक्ति चुप हो जाए। अगर किसी ने कुछ बोला है तो दूसरा व्यक्ति, अगर जहां भी कोई बात इधर उधर हो रही है, साइलेंट हो जाओ आप, ये चीज बहुत बढ़िया काम कर देगी हमारी लाइफ में, कोई झमेला नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है दो लोगों से एक ही बात सामने आ जाती है और दोनों बातें अपोजिट हो जाती है। अगर एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया और आपकी बात उससे मैच नहीं करी, बैठ जाओ चुपचाप, ये कह रहा है कौन? पौलुस दत्ता, बात ही कुछ नहीं, मैं बाइबल पढ़ता हूं बस, मैं पवित्र आत्मा कोई सुनने के नशे में नहीं बैठा रहता चार चार घंटे आम फोन करके, मैंने अभी भांग लगा रखी जो मैं ध्यान के ध्यान मगन हो जाऊं, मैंने नशा थोड़ी कर रखा तो ध्यान मगन हुए, ध्यान मगन भी होता हूं पवित्र आत्मा के साथ बिल्कुल चालाकी से, बिल्कुल शार्पनेस के साथ, धूर्तता से नहीं, क्राफ्टीनेस से नहीं, क्लेवरनेस से, सांप की तरह चतुर कबूतर की नहीं, सुनता हूं समझने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे सही बात समझ में आए, आपको सही बात समझा, और आपको तो बाद में समझाऊंगा, हम तो चार लोग हैं घर में, अगर मैंने गलत शिक्षा देकर के आपको बर्बाद किया पहले तो मैं इनको कर दूंगा तीनों को। होता नहीं था हमारा घर में डिस्कशन जबरदस्त, ये तो ये लड़की जब से बाइबल कॉलेज ने हमारी रेल बना रखी, सवाल पूछती रहती है, हमें पढ़ा दी घर आके, हाँ इसका मतलब बताओ ना, ये वाली बात कब लिखी गई थी, अब मैं भी चक्कर में पड़ जाता हूँ, मैं सुनता हूँ तुझे तो अच्छा, तू तो हमारे ऊपर पागल हो गई। लेकिन बात करना इसीलिए जरूरी है, मुझे पता है कि दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब इसका वहां भी सीखो, उनकी सिखाने वालों की बात अगर बाइबल से मैच नहीं कर रही तो भिड़ जाओ कि नहीं जी, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। 32 पद, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में रहती है, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते। भविष्यवाणी के गिफ्ट के लिए प्रार्थना करना, सीएमडी कलीसिया जरूर करना, जरूर करना कि प्रभु उसको रिलीज करो आप कलीसिया में,
क्योंकि भविष्यवाणी करने वाले लोग परीक्षा की आत्मिक उन्नति की बातें करेंगे, ऐसा लिखा है बाइबल। अन्य भाषा बोलने वाले से ज्यादा वैल्यूबल, अन्य भाषा बोलने वाले से ज्यादा जरूरत किसकी है? भविष्यवक्ताओं की। सटीक बात आनी चाहिए लेकिन, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो, ये नहीं करना भाई ये करना। ओल्ड टेस्टमेंट में मैंने पढ़ा, पुराने नियम में राजाओं की पवित्र आत्मा बढ़िया अगुवाई करता था। जब युद्ध छिड़ जाता था तो राजा से बोलना कि तू उधर से मत जाना, क्योंकि तेरे शत्रु राजा उसके सिपाही वहीं पे तेरा इंतजार कर रहे हैं बस। और राजा के दिमाग में ये गड़बड़ बैठ गया, हमारे खेमे में कौन है जो बात लीक करता है यार, हमारी कोई बता देता जाके वहां इसराइल के राजा को। उन्हीं से राज ने खड़ा के बोला कोई लीकेज नहीं है, घबरा मत, उनका उनके यहाँ नबी है, एक बुड्ढा है वहां पे शैमुएल नाम का, यही तो लिखा कितने लोगों को पता बात का है ना, कि उनके खेमे में इसराइलियों में एक नबी है और वो नबी को पवित्र आत्मा वो हमारी बातें ही बताता, जो हमने घर में चुपचाप बैठ करके प्लान बनाते हैं ना, यहोवा का आत्मा हमारी बात सुन के जाके इसराइलियों को बता देता है और इसराइली बच निकलते हैं हमारे जाल में से। ईमानदारी की बात, जब कभी आपके घर में आपका एक्सीडेंट हुआ, बीमार हुए हो, क्या होली स्पिरिट जो आपसे बात करता उसने बात नहीं की आज? आप जाके भिड़ गए मोटरसाइकिल किसी के साथ, क्या मतलब यही है साहब, ये मुद्दे सामने की जरूरत है हमें, सैमुएल की नकल करने वालों की नहीं, हमें सैमुएल की जरूरत, असली सैमुएल की जरूरत है, जिसकी जिसको पवित्र आत्मा बताया करता था कि राजा को भूल के इधर से ना जाए। ये नबुवत का जिन बेहतरीन चीज है साहब, इसने पाल के रखा है कनिशन। पुराने युग में आप पुराने नियम पढ़ो, बेहतरीन अगुवाई करता था ये भविष्यवाणी। आज सही हुई कल गलत हुई, यकन में नहीं, हम लोग मैं प्रैक्टिस थोड़ा कर रहा हूं इसकी, हम प्रोफेसर की प्रैक्टिस में नहीं है। तुम्हें ये बोल दिया कि हुआ नहीं कोई बात नहीं, इनको जिनका तो सही निकल गया फिर भी आपका तो ठीक है, ये क्या है? देसी भाषा में कहते हैं काली जबान के लोग होते हैं कुछ, वो दिन भर पकड़ पकड़ बोले रहे भाई जी, जो बोलते उसकी बात शाम तक पूरी हो ही जाती है, ये तेरे जैसा ना पूछ के जैसा है। ग्यारह बत्तीस दानियेल की किताब पढ़ना, 11:32, जो अपने यहोवा का ज्ञान रखेंगे वो याओज बांध करके बड़े काम करेंगे, तभी आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे, अद्भुत काम थे कि आपको वास्तव में जरूरत है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। 37, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। This is not Pastor संजीव लाठरा बोलने वाला। क्या लिखा है प्रिया पढ़ो, क्या लिखा है? हमारी बाइबल में यही लिखा है, मेरी बाइबल में यही लिखा है, इसका मतलब मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, ये तो आज्ञा है प्रभु की, आपको करनी पड़ेगी आज से ही। कहीं भी किसी पेंटिकोस्टल सभा में फंस गए और बस झोंके चालू, वो तो सारे ऐसे कर रहे हैं, पढ़ेगा कौन आपको, सबने आंख बंद कर ली, कोई किसी को नहीं देख रहा कि किसका कान लग रहा, किसकी जीभ बाहर आ रही है, किसका कुछ नहीं पता के नहीं। फेस इंप्रेशन बताते हैं, मैं जब किसी के प्रार्थना करने जाता हूं, कोई भी औरत आदमी है जो एकदम पूरा पोजेस्ट होता है, तो मैं चाहता हूं उसका फेस मेरे सामने होना चाहिए, उसके फेस के इंप्रेशन मुझे बताते हैं कि अभी दूसरा आत्मा ऊपर आई है कि नहीं आई है। भाई ऐसे करते सही नहीं, हम करते नहीं भाई लोग ऐसा, हम चाहते हैं कि वो उस दिन वो औरत अपना फेस मुझे दिखाए, और जब उसी को अंदर से धकेल के लाते हैं बाहर की तरफ, उसका फेस इंप्रेशन हमें बताता है कि स्पिरिट बाहर आई है कि नहीं आई है, या उसके फेस इंप्रेशंस बताते हैं कि ये पोजेस्ट है कि नहीं। मैं अभी भी बता सकता हूं हाँ, बाइबल बताए तेरी बोली तेरे भेद को खोल देगी, आपकी मेरी बात अगर इधर से उधर हुई तो मान लो ये तो गॉडली नहीं है, मेरा इधर से उधर उधर से रही है तो फिर इविल स्पिरिट का काम है। आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, नया रेवलेशन। रेवलेशन किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? रेवलेशन प्रकाशन उतरा देने पर, सुनते हैं वाली बात, किसे कहते हैं रेवलेशन? बात वही है, बाइबल की बात वही है, और आपको सही बेहतरीन तरीके से उसको क्लैरिफाई करके बता दिया गया, इसको कहते हैं रेवलेशन। आपको बढ़िया बात बताता हूँ, यहाँ कितने लोगों जिन्होंने पवित्र आत्मा से कभी झूठ नहीं बोला, या कितने लोगों ने पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलते, कोई नहीं है। अरे ऑनलाइन कोई है? आप लोग भी सीख लेंगे और ये लोग भी सीखेंगे आज, हम में से हर एक
होली स्पिरिट को चीट करता है, वो हर स्त्री पुरुष जो पवित्र आत्मा के साथ बैठता है, बात करता है, जो पवित्र आत्मा की सलाह चलता है, उनमें से हर एक पवित्र आत्मा को धोखा देता है, पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है, पवित्र आत्मा के साथ छल करता है, पवित्र आत्मा के साथ कपट करता है। कारण अब इस पृथ्वी पर ना तो पुत्र है और ना पिता। स्वर्ग के सारे कारोबार को किसने संभाल रखा है? जब भी कभी आप अपने कुछ बोल रहे हैं तो किससे बात हो रही है हमारी, तो किसको झूठ बोला जा रहा है? इस हनन्या और सफीरा ने अपनी जमीन बेची और उन्होंने ईमानदारी से उसका पैसा परिणतों के पास लाके नहीं रखा, जबकि परिणतों ने नहीं मांगा था। फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति था भाई, उसने अपनी जमीन बेची थी, उसने अपनी मर्जी से ऐसे जमीन का पैसा ले लाके पतरस के पैरों में रख दिया कि इसको गरीब से विश्वासियों में लगा दो। पतरस सारा देख देख प्रेरित करते थे देख देख। तो जब वो हनन्या ने सोचा कि यार इस आदमी ने अपनी जमीन के पैसे दे दिए, इसका सिर इतना बड़ा हो गया चर्च में, मैं इससे बड़ा कर दूंगा, मैं भी लाके पतरस के पैरों में पैसे रख दूंगा और बोलूंगा कि लो मुझे इससे बड़ा ओहदा दे दो, मतलब इज्जत हो जाए, मेरी रिस्पेक्ट हो जाए, पंखा लगा दिया चर्च में ऐसे ही बस। तो हनन्या और सफीरा आए, अपने पैसे पतरस के पास रखे। पतरस ने बोला, हनन्या तूने क्यों यहोवा को धोखा दिया? ऐसा लिखा है, तूने क्यों यीशु मसीह से झूठ बोला? ये लिखा है। क्या लिखा है? ये बात पहली बार मुझे समझ में आई बात करते करते। किसका मतलब? तो हम इस वक्त, मैं ये जानता हूं कि अब तो पवित्र आत्मा का होल्ड है सारा, जानते हैं आप लोग, ऑनलाइन वाले भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा का युग है ये, पवित्र आत्मा सारी बातों में देख कर रहा है। जितने पादरी प्रचारक विश्वासी झूठ कपट कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ नहीं कर रहे, अब तो डायरेक्ट उस आत्मा के साथ जो आपके अंदर धड़कता है, मैं तो पवित्र आत्मा के साथ चलता हूं, और इसी पवित्र आत्मा को चीट कर दिया आपने। अब आप समझ रहे मेरी बात, किसको धोखा दे रहे हम? पतरस की बात का ये नया रेवलेशन सुनी गया मेरे ऊपर उतरा। क्या इसका मतलब? पतरस तो ये कह रहा था कि हे हनन्या, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब सारे के सारे पेंटिकोस्टल, सारे के सारे विश्वासी, क्योंकि पिता और पुत्र इस पृथ्वी पर, अब तो पवित्र आत्मा यहां पे है, सारी बात में पवित्र आत्मा लेन देन कर रहा है। आप स्वर्ग के भेद आपके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा से खुल रहे हैं, आप आज्ञा का पालन पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, आप सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। अगर आप ढंग से नहीं कर रहे तो आप पवित्र आत्मा से ही झूठ बोल रहे हैं, यीशु मसीह से नहीं है। नहीं क्या ये नई बात? यीशु तो है नहीं यहां पे, कितने लोग जानते कि यीशु मसीह भी यही पे है? कोई नहीं जानता। अच्छा ज्ञान है आपके पास, वास्तव में यीशु मसीह यहां है नहीं, वो तो चला गया पिता के पास, दाहिनी ओर बैठा है, होली स्पिरिट यहां पे है। पतरस कह रहा, हनन्या क्यों तेरे मन में शैतान ने ये बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब हम में से बहुत सारे लोग, मैं भी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते, जो पवित्र आत्मा की बात करते, पवित्र आत्मा का नॉलेज रखते हैं, हम में से बहुत बातों में हम किसको चीट कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, हम किससे झूठ बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा से। यीशु तो यहां पे है ही नहीं। जो व्यक्ति यहां पे है नहीं, मेरी आवाज क्या सुनेगा? गलत है मेरी बात? वही सुनेगा तो यहां पे है, यहां तो होली स्पिरिट है। अब सारे विश्वासी मिलके किसको धोखा दे रहे हैं? हम होली स्पिरिट को। और हम पेंटिकोस्टल भी है, कैरिस्मेटिक पेंटिकोस्टल है ना, बट स्टिल वी आर चीट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट को चीट कर रहे हैं हम लोग। पतरस की बात ने मेरे दिमाग के पर्दे खोल दिए, तो मैं समझ गया कि आज तक मैं तो सोचता था मैंने यीशु को धोखा दिया, और ये है वो वाली बात, अगर कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात बोलेगा तो ये पाप क्षमा कर दिया जाएगा। अगर होली स्पिरिट के साथ आप और मैं ऐसा करें तो ये क्षमा नहीं किया जाएगा। अब तक आप और मैंने किसके विरोध में किया, इसका मतलब है किसके विरोध में करते रहे हैं? तो माफी नहीं मिल रही आप लोगों को, आप किसकी बात की माफी मांग रहे हो? एक बात तो है, आप नरक तो जाओगे नहीं, स्वर्ग तो जाओगे आप, क्योंकि आपको स्वर्ग यीशु मसीह के लहू की वजह से मिला है, पवित्र आत्मा की वजह से नहीं मिला। लेकिन पवित्र आत्मा को धोखा देने की वजह से, पवित्र आत्मा को चीट करने की वजह से, उसके ठगने की वजह से, बस केवल ये वाली एक बात आई। पतरस ने बोला हनन्या को कि हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? बस मैं ये कहना चाहता हूं, दिमाग को, अकल को, बुद्धि को, ज्ञान को, कान को खोल के रखो। जो बाइबल नहीं सिखाते,
दुनिया के जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते और नहीं पढ़ाते उनसे कोई खतरा नहीं है आपको, किससे लड़ना है? बोलो, जो बाइबल पढ़ाते हैं उन्हीं से खतरा है आपको। बाइबल पढ़ाने वाला गलत बाइबल पढ़ा के जा सकता है, आप कहोगे मेरे मैं मुझे फलाने भैया ने सिखाया, फलाने आंटी ने बोला, आखिरी की तो वचन भी आ गया। एक बात और, मैंने घर में प्रार्थना करता, मेरे पर कोई दबाव नहीं था इस बात का जो पिछले सप्ताह हो गई, कोई असर नहीं था मेरे पर। ईमानदारी की बात, मैंने किसी से बात नहीं की दो लोगों के अलावा, और मैं कुछ सुलझाने की भी कोशिश नहीं करता, प्रभु बताओ प्रभु क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहा। बस यहां से जाकर के जैसे हमने खाना खाया, खाना खाते ही लेटते लेटते 3 बजे के आसपास मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे पर एक प्रभाव डाला और यहोवा का हृदय उसने मेरे ऊपर प्रकट किया, खोलने लगा मुझसे मेरे ऊपर एक प्रभाव, पता नहीं किया। मैं सो गया, सोया तो 4:30 के आसपास मेरी वाइफ ने मुझे जगाया कि उठ जाओ चाय वाय पियो, क्योंकि देसी आदमी है ना, भारतीय है, हमें तो जगने से पहले हम जगे से पहले चाय तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने चाय पिलाई, चाय पीते पीते जैसे मैं उठा, उठते उठते ही मैं फिर उसी प्रभाव में था और पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर ये बात खोल दी कि यहोवा मुझसे कह रहा है कि तुझे तो ज्यादा प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, मुझे कह रहा पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से कि तुझे ज्यादा प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। और उसके बाद मैं फिर थोड़ा बड़ा काम कुछ करता रहा और जैसे मैं अपनी प्रार्थना करने की जगह पे जाऊं वैसे एकदम ऐसी प्रार्थना की आत्मा से प्रार्थना के प्रभाव से भर जाऊं कि बस अगर मैं प्रार्थना करने बैठ गया तो मेरे 4-6 घंटे निकल जाएंगे, ऐसे नहीं बैठा, कभी ये उठाने के लिए कभी वो काम करने के लिए, जैसे जैसे मैं अपने बरामदे में उधर की तरफ जाऊं जहां मैं प्रार्थना करता हूं वैसे वैसे प्रार्थना का स्पिरिट भर दे मुझे, बैठा ही नहीं मैं। हम लोग घर से निकल गए तीनों पति पत्नी, इससे मिली उससे मिली, इसको विजिट कर उसको विजिट कर, शाम को बच्चों को खाना लेकर के बाहर से घर आ गए, इन्होंने खाना वाना खाया, मैं रात को बहुत कम खाना खाता हूँ, इन्होंने खाना खाया, खाना खाते ही मैंने के साथ फैमिली डिवोशन किया, प्रार्थना की ढंग से बाइबल पढ़ी मैंने और 10:24 पर हमने अपना फैमिली डिवोशन खत्म कर दिया और 10:24 में तुरंत मजा करके प्रार्थना की जगह पे बैठ गया। इससे पहले कि मैं प्रार्थना की जगह पे आऊँ मैं पहले जगह को तैयार कर देता हूँ, जाकर के पर्दे वर्दे लगा के मैं बैठ बिछा के अपना कि मैं घर से आऊँ और बैठ जाऊँ, मुझे आगे काम ना करना पड़े, वहाँ की जगह का साफ सफाई का काम सरिता और ये संभालती है बुढ़िया। तो जैसे मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा मैंने 10:28 पे मोबाइल की लाइट जलाई, 10:28 हो रहे थे और पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद वो 12:30 तक मेरे साथ बात करता रहा, पिता चरवाहे से हृदय का और चरवाहा पिता से हृदय का, इसके ऊपर उसने मुझे बहुत देर तक समझाया, फादर शेफर्ड्स हार्ट, शेफर्ड फादर्स हार्ट, उसने यहोवा से लिया, यशु से लिया और मेरे ऊपर लाकर के बात को टेक दिया होली स्पिरिट ने, जबूर 23 उसने मुझे पढ़ाया, फेमस है मसीहों के बीच में, रखा हुआ होगा शायद, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी नहीं, ये बनी कि यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद गडरिया बन गया तुम्हारे लिए, इतनी चिंता उसको आपकी कलिशिया की, और कलिशिया कलिशिया अपना ठीक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चरवाहा बन गया, गडरिया बन गया आपके और मेरे लिए कि कलिशा ना बहके भेड़े ना बहके, तो बेहतरीन आहार मिलना चाहिए, वो कलिशा के लिए दूसरा रूप अपना बदलना नहीं चाहते, कलिशा कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते कलिशा के लिए, वो बस ये वाली बात है। परमेश्वर कितना तड़पता है पता है आपको, आपके लिए जरासी आपके बीच में जरासी मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही पूरा स्वर हिला के रख देता है। आपको ज्ञान रखना चाहिए अपने परमेश्वर का, आपको जब परमेश्वर का ज्ञान हो जाएगा ना आपको गॉड के हार्ट का भी ज्ञान है कैसे तड़पता है वो आपके लिए, जब ज्ञान ही नहीं है समझ ही नहीं है क्या पता लगेगा परमेश्वर का दिल मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कोई नॉलेज नहीं ईश्वर के बारे में, सारे प्रेज द लॉर्ड के अलावा मैं जितना ज्यादा उसको जानने की कोशिश करूंगा। मैं आज सुबह भी ये पढ़ रहा था कि अगर आप परमेश्वर को आप परमेश्वर के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अगर आप उसको ज्यादा नहीं जानते, मेरे अंदर उसके लिए ज्यादा तर्क ला ही नहीं सकता क्योंकि मैं ज्यादा जानता ही नहीं हूं। 5 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे की डाइट लेगा और 18 साल का जवान उसकी डाइट ले,
अगर आप 18 साल के जवान हैं तो फिर आपको वही डाइट चाहिए बढ़ेगी परमेश्वर की, फिर आपका दिमाग भी बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, आपके विचार बड़े होंगे, फिर आप बेहतरीन तरीके से परमेश्वर की वो बात कर पाएंगे जिसके वो योग्य है। रोमियो की पत्री में लिखा है कि और उन्होंने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसको परमेश्वर के तुल्य होने का आदर नहीं दिया। परमेश्वर इतना है, मैं इतना जानता हूं उसके बारे में, इतना तो करूंगा फिर बस। काश मैंने उसको उसकी फुल फॉर्म में जाना होता तो मैं भी तड़क गया होता कि ये हो क्या रहा है यार, ये क्या चल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही लगा कि परमेश्वर का दिल कैसा है। आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते जितना आप और मैं जानते हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है परमेश्वर की, मैं ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगा उसके लिए। आप किसी से भी जाके पूछ लो, कोई भी पादरी प्रचारक शहर में शहर के बाहर आपको बोले कि नहीं आप कर लोगे, फिर भी मुझसे मिलवा देना आप उसे बाइबल लेकर के, मैं मिलना चाहूंगा उस व्यक्ति से, शिक्षक से, जो कहेंगे नहीं आप फिर भी कर लोगे ये वाला काम। कैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा लेकिन ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि होली स्पिरिट परमेश्वर के वचन के बाहर जाकर के कुछ नहीं करेगा। आत्मा में वो आपको कभी कभी कुछ बातें बता सकता है लेकिन हर बार नहीं बताएगा। हर बार होली स्पिरिट एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप बाइबल पढ़ें और उसको मौका मिले आपके साथ बैठकर के आपको सिखाने का, कि हर बार रेवलेशन उतार दो एक, कि मुझे मत्ती की किताब रेवलेशन भी समझा दो आप, ये पढ़ेगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं रहता मेरे पास, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। उससे ज्यादा बिजी तो यह हुआ है, दुनिया भर के लोग उसके सामने खड़े रहते हैं अपनी फाइलें लेकर के, गुहार जवाब देता हूँ, मेरा फलाना मेरा ढिकला मेरा ये मेरा वो मेरा ऐसा मेरा ऐसा। कुछ लोग के पास तो अपना काम नहीं होता, रिश्ता लोग मेरी चाची का करो, मेरी मौसी करो, मेरी मामी करो, मेरी ताई का करो, प्रभु जी दया करो मेरी नानी के ऊपर प्लीज। हमारे पास है भाई अपनी भी है, कहते हमारे पास रिश्तेदारों की भी होती है, बस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे यार बाइबल पढ़ो साहब, मुझे ही नहीं आप अपने हर सिखाने वाले व्यक्ति को यहां से परख लेंगे। लिखा है ऐसा कोई तरीका बाइबल में नहीं है जिससे वचन परखा जाएगा। आपके पास है कोई तरीका, कुछ पढ़ा आपने बाइबल में कभी ऐसा, कोई रेगुलेशन बाइबल को पढ़ के बताएगा बाइबल सही है कि नहीं बताएगा, कोई प्रकाशन ऐसा, कोई भविष्यवाणी बताएगी ऐसा कि भविष्यवाणी होगी कि बाइबल सही है कि नहीं है, क्या ऐसा नहीं है। ये बाइबल बताएगी कि ये रेवलेशन परमेश्वर की ओर से है या ये प्रोफेसी परमेश्वर की ओर से है या ये बातें यहोवा की है या ये बताएगी किताब। ठीक है, प्रोफेसी का सही मेन कारण पता क्या है, हमारी पिछले दिनों डीबीसी के प्रिंसिपल से बात हुई, वो भी ये कह रहे थे कि भविष्यवाणियों का काम पता क्या है, यीशु मसीह को रिवील करना, तेरी नौकरी लगेगी, तेरा बच्चा होगा, तेरा देवत, ये थोड़ी है प्रोफेसी। आप पढ़ो बाइबल, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है यीशु मसीह के आने के लिए। आप ही लोग कहते फिर रहे हो कि भाई एक एक बात पूरी होती जा रही है बाइबल की, ऐसा ही था सिस्टर बिट्टू भैया ने इस बात कि बाइबल की प्रोफेसी क्या हो रही है पूरी, किसके लिए, यीशु मसीह के आने के लिए। और हमारे बीच में भविष्यवाणी कैसी हो रही है, रात को तेरा सोने का दांत लगा देगा, परमेश्वर ने मुझे बता दिया है। तो बाइबल आपको देगा, वो कर सकता वो कोई भी चमत्कार आपके लिए, ये प्रोफेसी नहीं है। अगर प्रोफेसी क्राइस्ट से कनेक्टेड नहीं है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये वाली बात, फ्लॉप है वो प्रोफेसियां, वो भविष्यवाणियां बिब्लिकल नहीं है जो क्राइस्ट की बात नहीं बता रही आपको। ये पूरी पोथी के अंदर यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां हैं, वो क्या करेगा उसकी, ये भविष्यवाणियां इसके अंदर, वो कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे मरेगा, कैसे दफन होगा, कैसे जिएगा और क्या करेगा उसके बाद, क्या कर रहा है इस वक्त, ये भी लिखा है इसके अंदर, अब आएगा ये भी लिखा है इसके अंदर, और उसके बाद क्या करेगा जब कलीसिया उठा लिया ही, वो भी लिखा है इसके अंदर, उसके बारे में सारी भविष्यवाणियां। आप और मेरा तो कोई रोल ही नहीं है महाराज, काश हम लोगों ने बाइबल पढ़ी होती। प्रोफेसी होती है, अभी भी होती है, उसका गिफ्ट है इसमें। ये प्रोफेसी आपको अगर क्राइस्ट की तरफ एक्टिवेट नहीं कर रही कहां से आएगी, ये आपसे आपको बताइए प्रोफेसी कि गलत चल रहा है, तू ठीक नहीं कर रही है वाला काम, ये भविष्यवाणी यही नहीं बता रही, क्या बता रही है भविष्यवाणी,
नौकरी लग जाएगी तेरी, घबराना बेटा हो जाएगा यार। ये तो मैं बिना भविष्यवाणी के ही कर दूंगा भाई। प्रार्थना करने का अधिकार नहीं दिया आपको? आप किसी भी जवान बेटे बेटी के प्रार्थना प्रभु उनको आशीष दे कह नहीं सकते आप। परमेश्वर थोड़ी बोला मुझे जाके इसको बोल दे, वो नहीं भी बोलता मैं तभी बोल देता प्रभु आपको आशीष दे। सही बता रहा हूं आपको ये बात, गलत मेरी बात। मैं भविष्यवाणी पर विश्वास करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं, मानता हूं, लेकिन यहां से मुझे समझा मैं क्या इनसे ही मनवा दूंगा। मैं मेरी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं गुरु भी नहीं बताता कि मेरे ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शहर में क्या चल रहा है मैं आकर के आपको कुछ नहीं बताता हूँ। आज वो पादरी वाली बात खुल गई, बस कुछ नहीं बताता मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि आप बेहतरीन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, फर्स्ट क्लास सेपरेट है, बढ़िया चल रहा है, आप चलते जाओ आप। और बाकी की बात मुझे अपने ऊपर भी इस बात का पूरा प्राउड है, ये गर्व है मेरा कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन की सही पहचान दे रखी है। या तो मैं मिसगाइड होऊंगा और जो मेरे साथ रहेगा मैं उसको भी मिसगाइड होने नहीं दूंगा। वो अपनी मर्जी से दहका गिरे तो बात फर्क है, गलत है मेरी बात नहीं। ना तो मैं मिसगाइड होऊंगा और ना आप लोगों को होने दूंगा। अपनी मर्जी से आप चाहे जो भी करें, मेरा बिल्कुल इरादा ये नहीं है कि मैं आपको ये वाली बातें बताऊं। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं बाइबल में जो मैसेज मैंने आज भेजा है व्हाट्सएप पे सीएमडी कलिशा में। क्या मैसेज भेजा मैंने? टाइम टाइम फिक्स क्या भेजा? मैंने ये भेजा है नीति जन की किताब है। नीति जन की किताब में ऐसा लिखा है कि कोमल उत्तर कोमल बातें हड्डी को तोड़ देती है, सॉफ्ट वर्ड सख्त आदमी को भी झुका देंगे आपकी तरफ। सॉफ्ट वर्ड ज्यादा से ज्यादा स्टबर्न व्यक्ति को आपकी तरफ झुका देंगे, वो ऐसा लिखा है, पढ़ लेना आप उसको। और उसका दूसरा रेफरेंस मैंने बताया है लुका की किताब उसका 18 अध्याय से 18 का 1 से 5 न्यायाधीश अधर्मी न्यायाधीश और विधवा औरत, वो डरता नहीं था किसी से लेकिन उसने बार बार सॉफ्टली प्रेयर करती गई उसके साथ, सॉफ्टली उससे बात करती गई और वो लोहा उसकी तरफ मुड़ गया। मैं ये बातें सिखाना चाहता हूँ आपको ईमानदारी से कि प्रार्थना क्या है, कोमल उत्तर क्या है, हड्डी कैसे टूटेगी। ये तो आप बात उठ गई तो मुझे पता नहीं पड़ी। मैं चाहता तो यही आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँ बाइबल की सही शिक्षा, लेकिन बीच बीच में अगर ऐसी बातें उठती रहेंगी तो मैं वो डिक्लेरिफाई करता रहूँगा, इसलिए क्योंकि मेरा काम यही है। सुनकर साहब दो प्रकार की भविष्यवाणी का वरदान होते हैं, एक तो ये वाला वरदान है अन्य भाषा का जो मैं बोल रहा हूँ, खोरा भाषा लाराबा खुरा भाषी अराबा नना मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये भाषा मुझे रट गई है इसलिए मैं आपको वैसे बोल के बता रहा हूँ। मैंने प्रार्थना की नहीं, मैंने तो ऐसे बोल के बता दिया आपको। ऐसी मेरे जैसे सैकड़ों लोग दुनिया में जिनको रट गई है ये, 18 साल से मैं एक ही भाषा बोल रहा हूँ, रटे की नहीं जानती। ये वो भाषा जिसको आप नहीं जानते, मैंने जैसे अनुवाद भी नहीं हो रहा, ये परमेश्वर जानता। पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा के साथ मिलकर के वो बात की जो परमेश्वर चाहता है, बस ये है। अन्य भाषा जो भाषा आती है वो अन्य नहीं हुई, वो तो नॉन लैंग्वेज है। नॉन और अनॉन दो बातें हैं। तो जो परिणतों के ऊपर उतरी थी अन्य भाषा, वो ये वाली थोड़ी थी जो आप और मैं बोलते हैं। वो तो वो थी कि तब्दूकिया के लोगों को, सीरिया के लोगों को, सबको अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना लिखा, पढ़ लेना उसको जाकर के दूसरे अध्याय के अंदर। देखो अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि यहोवा सर्वशक्तिमान है, लेकिन उस भाषा में बोल रहे थे जो भाषा उस व्यक्ति को समझ में आ सकती थी। हमारे यहाँ कोई आदमी आ जाए उड़िया में, उड़ीसा भाषा में प्रार्थना करने लगे, मैं तो एक शब्द हमारे काम का होगा उसमें, बस आखिर बोलेगा आमीन आमीन, ये मुझे समझ में आ जाएगा बस। इसने पूरी प्रार्थना में क्या बोला ये मुझे समझ नहीं आया भाई। मणिपुरी भाषा प्रार्थना की थी इस भाई ने अपनी बहन के लिए, नागालैंड के थे वो लोग। हम सारे जितने नॉर्थ के थे जिनको नागालैंड की मणिपुर की वो भाषा नहीं आती, नागा भाषा नहीं आती, हम मतलब मुझे ईमानदारी के बाद मुझे यही नहीं पता लगा कि प्रार्थना कब शुरू कर दी इसने, वो खर्चा शुरू हो गया क्या मुझे तो पता नहीं पड़ा। बातें मैंने कही करते हमसे मणिपुरी क्यों हो रहे थे, मैं तो खूब प्रार्थना हो गया हो
प्रमोशन दे रहे जैसे मैं तुर्की सबके देख के लास्ट में जो बोला आमीन, मैंने आपका दुआ अब खत्म हो गया। आमीन पौलुस भी कहता है जो बोलो जो प्रार्थना करो साथ साथ करो ताकि तेरे साथ सुनने वाला व्यक्ति के साथ हाँ और आमीन में शामिल हो जाए। मैं किसी और भाषा में बात करके सही बोलो हाँ भरोसे में किस बात में हाँ मुझे समझ में नहीं आई बात मैं कहा कि हाँ भरू केवल बस ये आप लोग पढ़ो साहब सिखाने वाले से खतरा है, जो सिखाता नहीं ना उससे कोई खतरा नहीं है, जो बैठे हैं ना बैठने वाले से कोई खतरा नहीं है। खतरा तो राज भाई को नहीं गया, खतरा तो बोलने वालों से जो बोलते हैं यहां खड़े होंगे। मैं भी आपको मुझसे खतरा है, आपको गलत बात मैं सिखा सकता हूं। आप चुपचाप बैठ के यहां से घंटे दो घंटे अपने घर में क्या सिखाओगे आपसे क्या खतरा, आपसे कोई खतरा नहीं है साहब, खतरा मुझसे जो वहां खड़े होकर के बोलते हैं। मैं ही तो बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ी बोल रहे हो, आप तो सुन रहे हो। अब आप मैं चाहे जो भी बता दूं आपको ले जाओगे आप अपने घर से बात को, तो याद रखना आप मेरी बात, आप पढ़ो बाइबल, परमेश्वर ने आपको यह दिया है और बहुत जरूरी है ये। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप मुझे और इस पूरी कलीसिया को ऐसी बुद्धि अकल समझ और ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण करें कि हम आपके वचन की बात को मान सके, आपके वचन का पालन कर सके, आपके वचन पर चल सके, वचन पर ठहर सके, इस वचन को जिए प्यारे प्रभु जी। जैसा कि पौलुस ने भी बताया कि जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को जान लें कि ये बातें मेरी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर की ओर से है। वो सारी कलीसियाओं की यही विधि है, हर एक कलीसिया को इसी बात का पालन करना है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। अगर कोई लिखे हुए से आगे बढ़ जाता है, बाइबल में लिखा है जो लिखे हुए से आगे बढ़ जाता है वो अपनी ही आत्मा के पीछे बहक जाता है। प्रभु अनुग्रह कर दया करें, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी जिन्होंने सुनान को आशीष देना और हर एक की बुद्धि अगर समझ सही ढंग से काम करें और प्रभु जी हम आत्मिक रीति से बहके ना भटके ना प्रभु जी, लेकिन प्रभु ईमानदारी से हम आपके स्वर्गीय प्रकाशन को खुलना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो खुले हमारे ऊपर टीचिंग में प्रीचिंग में काउंसलिंग में हीलिंग में डिलीवरेंस में प्रोफेसी में प्यारे प्रभु, लेकिन एक्यूरेट बातें। और पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर कलीसिया के एक एक व्यक्ति पर कंट्रोल बना के रखें, कोई बहकने ना पाए, कोई भटकने ना पाए, कोई भ्रमित ना होने पाए। दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। चलिए हम लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं।